ऐसा मूवी में ही देखने के लिए मिलता होगा आप लोगों को, यदि छोटी छोटी गलियां। राधे राधे। यहाँ के इतने ज्यादा अच्छे लोग हैं कि एक बार आप पूछोगे कौन सा मेन रोड पे जाएगा, रास्ता आपको साथ में छोड़ देगी। ये बनारस है भैया, हर हर महादेव। क्या बात है, क्या हर हर महादेव। आ गए हम लोग मेन रोड पे। अनूप ये भैया हमारे लोग आ चुके हैं, भैया हमारे ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे हम लोग, रात में परेशान करते हैं। 9 बज रहा है, 9 बजे हम लोग घाट पे जा रहे हैं घूमने के लिए। आज पूरा राउंड लेंगे, 200 घाट का पूरा राउंड लेंगे, सबको सब घाट दिखाता हूँ एक लाइन से, नाम नहीं बता सकता। पूरे लिटरली यहाँ पे 364 घाट है पूरे, मतलब टोटल घाट जो अपना 80 घाट से शुरू करो, 80 घाट इधर और यहाँ से राजघाट तक। रशियन यहाँ पे तो बहुत आती है, सब पूजा पाठ करती है गाइस। रशियन यहाँ पे क्या करती है, पूजा पाठ दिखाओ थोड़ा, चलो दिखाओ, देख रहे हो गाइस बहुत स्मार्ट है मेरा भाई। चलते आपको दिखाता हूँ इधर क्या कैसा दिखता है मार्केट गाइस। और लोग घूमने जा रहे हैं, बहुत मस्त अभी चलते हैं, पीते हैं दूध मलाइयो जिसको बोलते हैं, नहीं लस्सी नहीं मलाइयो, मलाइयो पीते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। आदमी आके हो चुके हैं पूरे पीके भंड, पीछे से देखो कोई छूते हॉर्न मार रहा है, समझ नहीं आ रहा है साले को क्या बोलना चाहोगे ऐसे आदमियों को। स्कूटी में फॉर्चूनर का हॉर्न लगा के घूम रहे हैं, पहली बार पाए हैं स्कूटी, पहली बार पाए हैं। कैसा है अनूप, कैसा लग रहा है, बढ़िया है कैसा? एंशियंट, ये गेस्ट हाउस है गाइस, इसमें मैं रुका हूँ तीन दिन के लिए मैंने रुका था, बहुत बढ़िया था। अभी दिखाता हूँ ये, अभी ये देखो, ये देखो कैसा दिखता है बनारस, कैसा दिखता है गाइस। यहाँ रात कभी होती नहीं, ये बूथ आप देखेंगे जब आप डालेंगे दशाश्वमेध घाट तो आपको ये बूथ दिखेगा। जो है सो इधर ही है गाइस, मेरी फेवरेट जगह बचपन से। यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस चीज दिखाता हूँ मैं, सब देखिए अंदर से कैसा दिखता है, ये अंदर से दिखता है और ऊपर से ऐसा दिखता है कुछ। मैं अंदर आ चुका हूँ गाइस, मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, मंदिर के अंदर लेकिन हम लोग कोशिश भी नहीं कर सकता, मैं अभी अलाउड नहीं है। देखो उदीपी पे खड़ा हूँ अभी मैं और बाकी लोग बाहर हैं। दिखाता हूँ यहाँ से आपको दिखता कैसा है, वॉशरूम और हर चीज़ का व्यवस्था है, बहुत बढ़िया A1 व्यवस्था जिसे बोलते हैं, ऐसा VIP लोग व्यवस्था नहीं पाते जैसा यहाँ पे व्यवस्था है। अब ये मेरा होम टाउन है इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये मत सोचना तुम लोग, ये बनाया ही ऐसा गया है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत काफ़ी बढ़िया व्यवस्था। देख सकते हो आप मेरे पीछे काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है, देख सकते हो लाइटिंग, ऐसी लाइटिंग मैंने आज तक किसी भी टेम्पल में नहीं देखी है, हो सकता है कि मैं गया ना हो दूसरे टेम्पल। आगे दिखाता हूँ आगे का व्यू आपको कैसा है, मैं भी 360 लेता हूँ यहाँ। ये गेट है, ये है पीछे का ये मंदिर का रास्ता है गाइस, अंदर जाते हैं, अभी क्लोज है शायद, अभी फ़ोन यहीं पे बाहर रखना पड़ता है, हमें फ़ोन रख के हम अंदर जाते हैं, अंदर जा नहीं सकते ऐसे। मंदिर दिखाता हूँ आपको, मैं दिखा रहा था उधर पे, अभी थोड़ा क्लोज लेते हैं, थोड़ा क्लोज ले सकते हैं, पूरा क्लोज नहीं ले सकते, दिखाता हूँ कैसा दिखेगा, स्टुपा दिख रहा है बट मंदिर पूरी दिख रही है, देख सकते हो आप बहुत अभी प्रशासन असली सुकून।
मोक्ष जिसे बोलते हैं, देखिए कितने लाखों की भीड़ है। बोला जाता है, माना जाता है ऐसा कि यहाँ पे जिसकी मृत्यु होती है वाराणसी में, अब हमारी तो यहीं पे होगी, कहाँ होगी हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ भी होगी चिता हमारी यहीं जलेगी। यहाँ पे सीधे आत्मा को शांति मिलती है, देख सकते हो आप क्या प्यारी चीज़ है। आप यहाँ पे अगर 10 मिनट बैठ जाओ तो आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ से मतलब नहीं रहेगा, कोई भी चीज़, लिटरली आप किसी भी चीज़ को त्याग सकते हो। ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब यहाँ पे आप बैठ के देखो, आपके पास टाइम हो आप टाइम निकाल के आओ और यहाँ पे बैठ के देखो। यहाँ ऐसी कम से कम हज़ारों शिवलिंग होंगी, कम से कम मिनिमम 1000, अराउंड 1000।